आर्शी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको पता है जब मैं बिग बॉस में नाराज़ होता था, आर्शी रात को उठ के मेरे पराठे सेकती थी और मेरे अंडा बनाती थी और मुझे हमेशा खुश करती थी। तो मेरे वो दोस्ती मैंने आगे भी बढ़ाया है। बिग बॉस के बाद हम लोग दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और उसको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उसके कैलेंडर लॉन्च पे। मैं इतना कहना चाहता हूँ हर एक दिन और हर एक महीना आपको मसाला मिलेगा क्योंकि आर्शी की मसालेदार फोटो रहेगी उसमें। सो इट विल बी टू मच फन। वैसे आप आर्शी को सपोर्ट करने हैं, आर्शी के लिए एक न्यू शुरुआत तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ नया है तो उस बारे में क्या? हाँ, मैं बोलता हूँ सबको, हर एक कदम ये पूरे जो हम लोग हैं इसमें इंडस्ट्री में, हर एक कदम आगे बढ़ने की अच्छी बात होती है। सो इट्स स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है और आगे बढ़ रही है। सो बेस्ट ऑफ लक टू आर्शी। आर्शी इज अ गुड फ्रेंड। कभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली वी कैन डू समथिंग। और मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है नागिन डांस, मेरा वीडियो, तो उसमें ट्राई करूंगा एक स्पेशल लुक आर्शी के लिए डालने, क्योंकि अपने आर्शी को नागिन बोलते थे बिग बॉस में। तो या आर्शी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। ओके, हाँ, मेरे दो गाने आ रहे हैं, एक मूवी और बॉडी है और एक नागिन डांस है। बस वो दो प्रोजेक्ट्स के पीछे लगा पड़ा हूँ मैं। नागिन के कुछ लाइंस या ऐसे कुछ ऐसे कर सकते हो? ऑफकोर्स इट्स लाइक ए आज टूटेगा फूटेगा दुनकी में नाचे हम, कॉलेज की मैडम को करके दिखा दे हम, थोड़े से पागल हम थोड़े दीवाने, म्यूजिक लाउड डीजे बजा दे, यू नो नागिन डांस। आर्शी के लिए ऑब्वियसली आर्शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, आई विश हर ऑल द सक्सेस। ये नया साल है और ये नए साल से उसको करियर और ऊपर जाए और अच्छा जाए। सो आई विश द बेस्ट फॉर आर्शी खान। वैसे बिग बॉस में इस बार जो विलेन है, जो इस बार जीती है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एकदम ही वैसे टीआरपी एकदम कम थी, देखो हम लोग सीजन 11 में थे, हमने एक बेंचमार्क स्टेट किया है, वो वापस रिपीट नहीं हो सकता है और लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। आई लव दीपिका, पर सेम चीज़ शिल्पा जैसे किया, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ सीजन 13 के लिए किचन के पीछे जाओ, खाना बनाओ, सबका देखभाल करो और आप शो जीत सकते हो। जैसे हम लोग बात कर रहे थे सीजन 11 कभी रिपीट नहीं हो सकता, वो बेंचमार्क था, राइट आर्शी? वो कभी नहीं हो सकता। तो आर्शी आप अपने लॉन्च के बारे में खुद बताइए कुछ। अभी मैंने बताया तो था, वापस बता दो। ओह, दूसरा न्यूज़ चैनल। सो ये कैलेंडर लॉन्च है और बहुत अलग तरीके से है, बिकॉज इसके अंदर इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मोहम्मद, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अलग क्या अलग रूप दिया है, अपने कलर्स ऑफ लाइफ दिया है। तो जनवरी में इन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा चेहरा रखा है और बाकी फिर दूसरों के साल। आप ऐसे अर्शी का चेहरा देख के अगर शुरू करो तो बहुत अच्छा होता है। सो इसीलिए जनवरी अर्शी का है। इट्स अ मसालेदार कैलेंडर एंड यू गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। हम तो वैसे ही मसालेदार हैं बहुत ज्यादा, ये स्पेशली यू नो इट्स। बहुत सारे अभी ऑफर्स हैं, बता नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, बहुत जल्दी धमाका होने वाला है। धमाका हो रहा है ऑलरेडी, यू नो एवरी स्टेप, जैसे ये कैलेंडर देख रहे हो, एवरी स्टेप काउंट्स एंड दिस इज अ ग्रेट बिग स्टेप फॉर आर्शी खान, सो इट्स हैपनिंग। थैंक यू। अभी रिसेंटली आपने टेलीविजन में काम किया था कलर के पॉपुलर शो में, तो इसके बाद आपको टेलीविजन में हम देखेंगे या कोई मूवी का है? सबसे पहले मैं टेलीविजन ही करूंगी, बिकॉज एक आर्टिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि आप कैसे कलाकार हैं, कैसे अदाकारा कैसी हैं आपको। मोस्टली मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिनको एक्टिंग नहीं आता है और वो बड़ी बड़ी मूवीज़ में कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं। लड़कियाँ ही बहुत सारी हैं जो फिर एक मूवीज के बाद दूसरी मूवी में नहीं आती है। तो सबसे पहले अपने आप को निखारो, उसके बाद एकदम से जाओ सलमान के सामने, कहो बेबी डू यू सी द थिंग इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो आर्शी इज डूइंग अ ग्रेट प्रैक्टिस एंड वन डे शी विल बी परफेक्ट। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड मैंने इसे परसों ही शायद कहा कि यार कभी गोवा कभी मैसूर कभी बैंगलोर कभी दिल्ली कभी, तो एक चार्टर फ्लाइट ही खरीद ले। सो आई वाज टेलिंग हर दैट बिकॉज ये लड़की थकती नहीं है और बिग बॉस के बाद ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है। आपने पिछले सीजन देखे होंगे, शायद ही कोई दिख रहा होगा,
बट एक सीजन जा चुका है हमारे सीजन के बाद, हम सब दिख रहे हैं अपने अपने जगह अपने अपने कामों से दिख रहे हैं, सब अपने अपने जगह जोनर। बिग बॉस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड बिग बॉस इज ग्रेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मैं सबको बोलता हूं प्लीज बिग बॉस ट्राई करो, एक आम आदमी से आप खास बन सकते हो। बिग बॉस रॉक्स, इट डज। तो आशी खान आप तो पहले से बहुत पॉपुलर है, आप एक मॉडल थी, पर बिग बॉस में जाने के बाद क्या आप में चेंजेस आए, क्या कुछ एक नया आपको? तब मैं बड़ी आम इंसान थी जब मैं बिग बॉस में गई थी, अब आम रस है, इसमें रस भर गया है, आम रस हो गई है इसमें। नो बट इसमें खास क्या हुआ इसके लाइफ में चेंजेस मैं बता दूं आपको, इससे हमेशा के लिए एक आकाश और एक सभ्यसाची मिल गई। yes, yes. और एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, इसको क्रिकेटर्स अभी भी बहुत पसंद है। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे क्रिकेटर्स के बारे में। आशी मैम, वी आर फ्रॉम मनाली हिमाचल प्रदेश, यू बॉम्बे गाइस आर अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वी लव एचपी, थैंक यू। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है। Guys, this is awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थोड़ा ऊपर कैलेंडर या सब सब समझ आती है आइए सर आप सब में नीचे कर सर सर थोड़ा सा आईफोन किसी ने बोला नीचे कर आजा थोड़ा बीच में कर ले यहाँ देख अर्शी आकाश यस अब हो गया वो एक सिंगल लेता हूँ खाली बीच में बस टर्न करके या बात करो मैं बात करो